रैपिड फायर मेरा एक बहुत फेवरेट राउंड था क्योंकि उसमें डायरेक्टली आंसर देना पड़ता था और कुछ सोचना नहीं मिलता था। बॉडी शीट तो अच्छा है, बंद हो रहा है। देयर इज नो सच एंकर हु विल रिप्लेस हिम बिकॉज़ करण मोस्टली सपोर्ट्स नेपोटिज्म ना, सो आई'd लाइक टू सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हेलो, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं कॉफी विद करण के फैंस से और लेने वाला हूं शो के ऑफ एयर जाने पर उनकी राय। चलिए बात करते हैं उनके फैंस से और लेते हैं उनका रिएक्शन। कॉफी विद करण की अगर बात की जाए तो शो ऑफ एयर जा रहा है, अब आने वाला सीजन नहीं आएगा उसका, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आर यू हैप्पी एंड I'm sad. He should not leave the show. He's the best fit for it, the show. And there is no such anchor who will replace him. That's it. To be honest, I don't really care. कॉफी विद करण बंद हो रहा है, चालू रहा है, मैंने तो एक भी सीजन देखा नहीं उसका। मेरे को उस शो में कुछ ऐसा लॉजिकल लगता नहीं था। He used to make money out of it. हमें तो कुछ नहीं मिलता था। लोगों को कैसे सिर्फ मसाला चाहिए रहता है ना, सो दे यूज टू गेट कि हाँ किसका किसके साथ क्या अफेयर चल रहा है। सो इतना कुछ आई नेवर फाउंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन इट। तो मैं मोस्टली कुछ ऐसा प्रेफर करूँगा कि अगर कॉफी विद करण जा रहा है तो इन रिप्लेस उसके जगह कुछ अच्छा सा आए, शो आए जिसमें कुछ अच्छा कंटेंट रहे, गुड राइटिंग समथिंग लाइक दैट, और स्क्रीन प्ले विन प्ले कुछ अच्छा रहे, क्योंकि वो शो का बेसिकली कुछ लॉजिक नहीं था। सो दैट्स इट। आई एम मीडियम टेक, लाइक आई काइंड ऑफ लाइक द शो बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वेरी कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ऑल, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अभी बंद हो रहे हैं तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते उसका। तो फिर जाने पे हैप्पी और सैड है? मीडिया मतलब हाँ, जा रहे तो जा रहे, कौन सा, नॉट बिग डील। टू बी ऑनेस्ट माई रिएक्शन इज न्यूट्रल बिकॉज आई हैव सीन मेनी एपिसोड्स बट आई डोंट रियली थिंक इट्स सो गुड, बट आई वुड लाइक टू सी सम मोर सेलिब्रिटीज लाइक कंगना रनौत एंड ऋतिक रोशन फेसिंग ईच अदर एंड मे बी सम हॉलीवुड स्टार्स। बॉडी शीट तो अच्छा है, बंद हो रहा है। तो हैप्पी है, खुश है और सैड है और क्या रिएक्शन? आई मीन कोई रिएक्शन नहीं है मेरा क्योंकि मैं देखा नहीं है, पर जहाँ तक देखा था बहुत लाइक शिट ही था मेरे लिए देखने के लिए, तो एक्सपीरियंस बुरा ही था। लाइक एक एपिसोड था हार्दिक पांड्या एंड रकेल राहुल का, तो इतना डिसअपॉइंटेड था देखने के बाद ना, मैं तब से मैंने देखना बंद कर दिया वो कॉफी विद करण। मैंने तो कभी वो देखा नहीं है कोई पर्सनली सीजन, तो कभी कभी इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देखे थे, तो जैसे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का देखा जो कंट्रोवर्सी हुआ वो सब, तो उनको क्या इफेक्ट हुआ वो सब पता चला, तो वैसे तो इतना अच्छा नहीं लगता कि हम लोग देखे तो बंद हो रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक फॉर अस इट विल बी ऑब्वियसली सैड बट फॉर दी एक्टर्स आई थिंक इट्स क्वाइट गुड क्योंकि करण वॉज मेकिंग मनी आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्टर्स। अगर आपने रणबीर कपूर वाला इंटरव्यू देखा रहेगा जो उसने आई थिंक एक कोई शो था वहाँ रणबीर कपूर ने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू दिया था एंड ही वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बैन दैट शो बिकॉज करण इज़ ऑब्वियसली मेकिंग मनी आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड वो जो भी गिफ्ट हैम्पर्स है उसमें सिर्फ एक आईफोन बॉक्स दे रहा है उनको, तो आई फील इट्स फाइन। वेल आई हैव नॉट वॉच दैट शो अलॉट, सो आई थिंक इट्स माई रिएक्शन इज मॉडरेट, आई डोंट माइंड मच, इट्स ओके। फेवरेट सीजन की बात की जाए तो कौन सा फेवरेट सीजन था? फेवरेट सीजन वुड बी द लास्ट सीजन क्योंकि उसमें आलिया और दीपिका आए थे और रणवीर सिंह और रणबीर कपूर एक साथ आए थे, तो नथिंग कैन टॉप दैट सीजन। द ओल्ड वन सीजंस दे आर बेटर देन नाउ। मेरे लास्ट सीजन थोड़ा देखा था तो वो अच्छा लगा था, हार्दिक पांड्या वाला जो सीजन था वो। ओके, अब तो शो आ नहीं रहेगा, शो की अगर बात की जाए तो सीजन आता तो उसमें किसको देखना चाहते हैं? किसको देखना चाहते मोस्टली आई थिंक सब यंगस्टर्स। मैंने ना कभी आदित्य रॉय कपूर को नहीं देखा, सो आई थिंक आई वुड वेट फॉर आदित्य रॉय कपूर और आई थिंक वेट लेट मी थिंक अबाउट इट। आई लाइक तारा सुतारिया, तो तारा, जानवी, अनन्या, ये जो भी अपकमिंग जनरेशन है बोले। बॉलीवुड एक्टर्स आर एक्चुअली टू चीजी, आई लाइक टू सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन कॉफी विद करण बिकॉज करण मोस्टली सपोर्ट्स नेपोटिज्म ना, सो आई लाइक टू सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी एंड एक्टर्स लाइक दोज मेथड एक्टर्स। मैं वापस एक बार श्रद्धा कपूर को देखना चाहती हूँ वापस बस, एंड दैट्स इट, एंड शाहरुख खान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर पहली बार तो मस्त लगता, और इवन विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन एंड कंगना, राहुल गांधी। लाइक क्यों? ऐसे ही लाइक इंटरव्यू होते हैं ना उनके बहुत सारे, तो मीमर्स को मीम मटेरियल भी मिल जाएगा और शो बंद ही हो जाएगा, कांग्रेस वाले बंद करा देंगे, उसे भी बंद ही हो रहा है ना। विकी कौशल एंड कैटरीना। मैं अब वापस एक बार श्रद्धा कपूर को देखना चाहती हूँ वापस बस, एंड
दैट्स इट एंड शाहरुख खान तारा सुतारे और आदर्श जैन और अभी रिसेंटली आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई है और विकी कौशल और कैटरीना कैफ तो उनको देखना चाहूँगा। शो में क्या पसंद है आपको उस शो की अगर बात करें? गॉसिप बॉलीवुड गॉसिप मसाला हाउ ही टेक्स द टॉक्स फ्रॉम द बॉलीवुड सेलेब्स आई लाइक दैट। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अभी सब ड्रामा बंद हो जाएगा लाइक हम लोग वी वर लाइक फीडिंग ऑन द ड्रामा ना सो देयर विल बी नो ड्रामा एनीमोर सो आई एम सैड फॉर दैट एंड ऑल द फैंस विल बी सैड फॉर दैट ओ मे बी फैंस विल बी सैड बिकॉज वो एक एंटरटेनमेंट था और सब लोग को लाइफ के बारे में जानना मिल जाता क्योंकि वो भी उसमें ऑनेस्ट क्वेश्चन थे तो ऑनेस्ट आंसर्स भी थे और रैपिड फायर मेरा एक बहुत फेवरेट राउंड था क्योंकि उसमें डायरेक्टली आंसर देना पड़ता था और कुछ सोचना नहीं मिलता था तो फिर वो एक फेवरेट चीज़ था और उसकी वजह से आई हैड बी सैड। सो वेल ये तो था फैंस का रिएक्शन शो के बंद होने पर लेकिन आप हमें अपनी राय देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन विनय पांडे के साथ फैजान बॉलीवुड नाउ।